अमरावती लोकसभेच्या भाजप उमेदवार नवनीत राणा यांच्या पराभवाची जबाबदारी आमदार रवी राणा यांनी घेतली आमदार बच्चू कडू यांच्यावर अनेक आरोप करत त्यांनी आता पत्रकार परिषद घेतली आहे आमदार बच्चू कडू यांच्या प्रहार जनशक्ती पक्षाचे आमदार राजकुमार पटेल यांनी त्यांना प्रत्युत्तर दिलंय नवनीत राणा यांच्या पराभवाला राणा दाम्पत्याचं तोंडच जबाबदार असून त्यांनी जर त्यांचे तोंड बंद ठेवले असते तर त्यांचा विजय निश्चित असता असं त्यांनी सांगितलं आमदार रवी राणांनी आता सुद्धा विधानसभा निवडणुकीपर्यंत आपले तोंड बंद ठेवावे अन्यथा त्यांचेसुद्धा येत्या निवडणुकीत काही खरे नाही असा खोचक टोला देखील राजकुमार पटेल यांनी लकावला नवनीत राणा क्यू हरी एक ही कारण आहे आपण ना तो राहते कोई हरा अभी अभि रवी राणा के चालू आहे एक तो इलेक्शन तक तब भी वो चालू ही था इलेक्शन खतम हो गे हार गे फिर भी चालू चालूही अगले वाले इलेक्शन तक तो तभी तो अगर रवि राणा अपना मुंह बंद किया तो बहुत ही अच्छा रहेगा नहीं तो फिर उसका भी कोई खरा नहीं है तो अब क्या है देखो जब अगर मान लो इतने खर्चा करने के बाद भी अगर चुनाव हारता होगा तो उसको तो कुछ, कुछ बोलने ना कुछ बोलना ही पड़ेगा ना बरोबर है हम तो उतने तो खर्च भी नहीं किए हम हमारे औकात भी नहीं उतने खर्चा करने की हमने सिर्फ कैंडिडेट दिए थे और वो कैंडिडेट के भरोसा हम आगे चले ठीक है लोगों ने हमको बोला है कि भाई हमको तो मेरे गांव में खुद है लोगों बोले तुम्हारा इलेक्शन नहीं है भैया बोले चुपचाप बैठो बोले हमको हमारे मर्जी से करने दो क्या बोलेंगे क्या बोलेंगे क्या मेरे गांव में बीजेपी आगे दूसरा पे कांग्रेस और तीसरा पे मैं हूँ अब क्या करेंगे उसमें इलाज ही नहीं ना मैंने को ये सलाह देता हूँ कि रवि राणा ने अपने मुँह को थोड़ा सा लगाम लगा के रखे थोड़ा मीठा बोले सर सर के ऊपर जरा थोड़ा सा बर्फ रख के चले तो कम से कम अगले आने वाली विधानसभा भी आपके हाथ में रहेगा और नहीं तो इसी प्रकार चलते रहना तो तुम्हारा कोई खरा नहीं है कोई मातोश्री से शरत नहीं है ना कोई कुछ भी नहीं क्योंकि टिकट डिक्लेयर करने वाला मैं ही हूँ तो फिर मेरे नहीं आने को था क्या मेरे तो आए नहीं पूछा भी नहीं अभी तक नहीं आए ये सब बोलने की बात है अब तुम मेरे विरोध आ तुम्हारे बारे में मैंने अच्छा बोलना है बुरा बोलना हो मेरा मेरे मेरे, मेरे डिसीजन है बराबर है अब रवि राणा को बच्चों के बारे में क्या बोलना और क्या नहीं बोलना उसका है अब उसके बारे में मैं क्या बोलूँ अब मातोश्री से कोई सनद आया होंगे तो अब देखा क्या आपने कोई फोटो व्यूटी लिया उसका क्या आया क्या नहीं अब वो कौन क्या निकालेंगे और कौन क्या निकालेंगे नहीं अभी आने वाले टाइम में मेरे मुझे ऐसा लगता है कि अपन दूसरे के मतदार संघ में बोलने के बजाय अपना मतदार संघों को संभाल लो इसमें सब इसमें सभी आमदारों की भलाई है